हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा आखिरी दिन है, आज हमारी रात की ट्रेन है। तो सीन ऐसा है कि मैंने सोचा कि अब जब घर में ही है आज पूरे दिन यहाँ पे, तो मैं तो पहली बार क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मैंने सोचा एक बार वीडियो में भी दिखा देते हैं एक्चुअली मैं होता क्या है गाँव में यूजली। तो इस वीडियो को मैं सुबह से शुरू करूँगा, मैं आपको वो दिखाऊँगा जो मैंने देखा। तो सुबह सबसे पहले लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म करने रखते हैं और फिर गायों को चारा दिया जाता है और ये बड़े चाव से खाती हैं। अब दोपहर होने से पहले मैं आपको सभी घर वालों से मिलवा दूं। ये हैं हमारी प्यारी नानी जी, जो कैमरा देखते ही एकदम से स्टिल खड़ी हो गई। और ये हैं मौसा जी, जो अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहे हैं लकड़ियां काटने के लिए। और यहां से आ रही हैं मौसी जी खेतों से घास काट करके। ये इनकी बड़ी बिटिया और ये छोटी छोटी मगर बोलने में सबसे आगे। और ये हैं हमारे लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन और ये हैं लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर। मेरी दुआ है दोनों इंडिया के लिए खेलें। और ये भाई साहब सबसे छोटे बट बड़ा धमाका। अब 12:00 के आसपास यहाँ खाना परोस दिया जाता है और सभी लोग ऐसे धूप में चारपाई बिछा के सब एक साथ खाना खाते हैं। और फिर पूरा दिन काटने के लिए अब कुछ तो करना है, तो बच्चे अपना खेल कूद में लग जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हो गया। और बड़े अपने अपने कामों में। और ये मैडम अपना काम करती है, भाई चारा खाया था उसे निकालना भी तो है। अभी ऐसा है, मैंने आपको बताया ना हम गांव में हैं, तो यहाँ सब कुछ जो है अपना इनकी खेती है मस्त। जो खाना पीना वो खेत से निकालो, फल खाने पेड़ से तोड़ो। कौन तोड़ रहा है पेड़ से हमारे लिए? तोड़ो। क्या तोड़ रही हो? ऊपर से तो भैया ये है बात गांव में रहने की ना, आप बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, जो हम शहर वाले तरस रहे हैं खाने के लिए कि कुछ अच्छा नहीं मिलता, सब मिलावट केमिकल इंजेक्शन वाली चीज़ें मिल रही हैं। इतना मीठा अमरूद मैंने पहली बार खाया। अगर चाट वाट खानी तो मैं आपको नींबू दे सकता हूँ, या नीबा क्या बोलूँ मैं। ये है नींबू, पहाड़ी नींबू। पहाड़ी नींबू है ना ये? देखा आपने इतना बड़ा नींबू? मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। भैया हम आपको विलेज टूर दे रहे हैं क्योंकि हम पहली बार ले रहे थे, हम सोचे कैमरा भी दे दें। और यहाँ पे फायदा है इनको, सब कुछ इनका खेत में उग जाता है एक सेब के अलावा। हाँ, सब इन्हें यहीं मिलता है, यहीं से उखाड़ा काटा अपना बनाया पकाया सब कुछ करा खाया मस्त। और अभी आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा मैन। देखिए एंकर गरीब है लेकिन कैमरा मैन अमीर है, क्योंकि कैमरा मैन हमारे जो हैं भट्ट साहब ने ज़मीन ली है भैया। अभी ऐसे नहीं छोटी मोटी कोई, सीधा बीघा, एक बीघा। भट्ट साहब ज़मीन दिखाएं अपनी ज़रा। जय हिंद दोस्तों। तो गाइस हम आपको अपनी ज़मीन दिखाते हैं। तो अब ये देखिए हमारी ज़मीन, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा। यहाँ पे एक बड़े फेमस रविदा हैं, वो हमें लेकर के जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं रविदा? राहुल दा जो हैं लेकर के जा रहे हैं कहाँ पर? हम जा रहे हैं समोसे खाने, जो दुकान है 35 साल पुराने की। अच्छा। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से बसानी को, जहाँ अच्छा। पानी आता है खूब सारा। बस पानी देखने जाएंगे? बस पानी देखने जाएंगे। देख रहे हैं पानी देखने जाएंगे, क्या दिन आ गए दिल्ली वालों, पानी देखने जाना पड़ रहा है। Thank you.
कर दे उसके तो ये हमें एक समोसे की दुकान पे लेके आए, तो लड़की कह रही है कि भाई जलेबी बड़ी फेमस रही बल, और समोसा तो है ही फेमस रहा बल। बल एक्चुअली उत्तराखंड में ना बल ना हर्ष है, हर्ष हर सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। हाँ जी ऐसा है, समोसा मतलब ओए क्या बताऊँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी ना अच्छा समोसा मिल जाएगा यार, हरी चटनी होती तो मज़ा आ जाता, पर फिर भी इसके भी मज़े पूरे ही हैं। हाँ भैया तो बात ऐसी है ना, हमारा पोपट हो गया क्योंकि यहाँ पे पानी सारा सूखा हुआ है, जो हम देखने आए थे कुछ नहीं देख पाए। तो सीन ऐसा है जी, हमारे नंतिन लोग जो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर हर मैदान फतेह, पानी मिलेगा पानी मिलेगा। मैं कहा ठीक है भाई मिलेगा। कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए, ये सीख ले लो आप, मैं कह रहा हूँ ले लो। पता है क्यों, पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो मिला है, पर जो मिला है मज़ेदार है, और क्या साफ है, इतना सुंदर शांत, और हम लोगों के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ, मज़ा आ रहा है।